ये कृष्ण का स्वरूप है। आप जो भागवत जी का दर्शन कर रहे हो, ये कृष्ण का स्वरूप है, ये कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसको कुछ पोथी मत मान लेना, कोई पुस्तक मत मान लेना। अगर आप इसकी छत्र छाया में बैठे हो, मानो कृष्ण की छत्र छाया में आप विद्यमान हो। और नारद जी ने अपने जीवन को धन्य किया। नारद जी ने यही जो कथा है अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी, इसका अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी है। शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज नारद जी तो हर जगह विचरण करते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं, और सनकादि जो कुमार हैं, चार भैया हैं ना, वो कहीं आते जाते नहीं हैं। इनका जो है मिलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ है? शौनक जी ने प्रश्न किया। तब जो है सूत जी ने बड़े भाव से इस चरित्र को सुनाया है। कथम एक दिन जो है नारद जी बड़े वेग से जा रहे थे। सनकादियों ने नारद जी को देखा। सनकादियों ने जब नारद जी को देखा, कथम ब्रह्मन दीन मुखः, हे नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? सनक सनंदन सनातन कुमार जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, आपका मुखमंडल लटका हुआ क्यों है महाराज? आप तो सदैव प्रसन्न रहते हो, सदैव आप खुश रहते हो, लेकिन आज जो है आप विचलित हो, आपका मुखमंडल लटका हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज हमें लगा कि पृथ्वी के चलकर के दर्शन करें। नारद जी के वचन है, सुनिएगा। नारद जी सनकादियों से कह रहे हैं कि हम एक बार बीड़ा का निनाद करते हुए, श्रीमन नारायण करते हुए इस धराधाम में आए।